अस्सलामुअलैकुम, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हजरत अबू जहम रज़िल्लाह अन्हु अबू तालिब से और वो अब्दुल मतलब से रिवायत करते हैं। अब्दुल मतलब कहते हैं, मैं हरमे काबा में महव ख्वाब था कि मैंने एक दहशतनाक ख्वाब देखी और निहायत खौफ में मुबतला हो गया। मैं कुरैश की एक काहिना औरत के पास गया। मैंने कंबल ओढ़ रखा था और मेरी जुल्फे कंधों में लटक रही थी। काहिना ने मेरे चेहरे से अफसुर्दगी महसूस कर ली। मैं इन दिनों अपने कौम का सरदार था, कहने लगी, हमारे सरदार का क्या हाल है और चेहरे का रंग क्यों बदला हुआ है, कोई हादसा तो नहीं हो गया? मैंने कहा, हाँ, इन दिनों लोगों की ये आदत होती थी कि हर आने वाला शख्स सवाल करने से कबल उस काहिना का दाया हाथ चूमता और फिर उसके सर पर हाथ रखकर अपना मुद्दा बयान करता, मगर मैंने अपने मकामो मर्तबा का लिहाज रखते हुए ऐसा नहीं किया और सीधा बैठ गया। मैंने कहा, आज रात मैंने हरमे काबा में सोते हुए ख्वाब देखा कि जमीन में से एक दरख्त नमोदार हुआ जिसका सर आसमान तक जा पहुंचा और टहनियां मशरिक को मगरिब तक फैल गई। वो दरख्त सूरज से ज्यादा रोशन और मुनव्वर था। फिर क्या देखता हूँ कि सब अरबों अजम इसे सजदा कर रहे हैं और इसका नूर मुसलसल पड़ता जा रहा है। मैंने देखा कि कुरैश के कुछ लोग इसकी टहनियों से लटक गए और कुरैश के कुछ लोग इस दरख्त को काटने के लिए लपके, लेकिन जब करीब हुए तो एक नहायत हसीन नौजवान ने, जिसे भरकर मैंने खूबसूरत और बेहतर खुशबू वाला कोई नौजवान नहीं देखा, इन्हें मार पकाया, इनकी पसलियां तोड़ दी और आंखें बाहर निकाल दी। मैं घबरा कर ख्वाब से बेदार हो गया। अब्दुल मतलब कहते हैं, ये सुनते ही काहिना का चेहरा जैद पड़ने लगा और वो यूं गोया हुई, अगर तुम्हारी ख्वाब सच्ची है तो तुम्हारी पुश्त से वो शख्स पैदा होगा जिसकी हुकूमत मशरिक़ और मग़रिब तक होगी और लोग इसके दीन पर चलेंगे। अब्दुल्ला बिन बिन मालिक से रवायत है, मुझे मेरी कौम के चंद शयूख ने बतलाया है कि वो उमरा करने निकले। इन दिनों अब्दुल मतलब मक्के में बकीदे हयात थे। इनके साथ एक यहूदी तीमा भी शरीक सफर था। वो मक्का या यमन में बगरस तिजारत जा रहा था। अब्दुल मतलब को देखते ही बोला, हम अपनी किताब की रोशनी में कह सकते हैं जिसका फैसला नाकाबिले तब्दील है कि इस शख्स की पुछ से वो नबी निकलेगा, वो जो हमें अपनी कौम को कौमे आद की तरफ तह तय कर देगा। जिस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई, इस रात मुल्क यमन में एक आमिर नामी आदमी अपने बुतखाने में बैठा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरे मशरिक से मगरिब, जनूब से शिमाल और जमीन से आसमान तक मुहीत था। अल्लाह ताला ने आमिर के सामने से पर्दा हटाया। आमिर को नजर आया कि आसमान के दरवाजे खुले हैं, मलाइका उतर रहे हैं, पहाड़ और दरख्त सजदा कर रहे हैं। वो हैरान था, ये क्या हो रहा है? शक-शक आमिर का बुत ऊंधा गिरा और इससे ये आवाज आई, इस नबी की विलादत हुई जिनका मुद्दत से इंतजार किया जा रहा था, जिनसे दरख्त और पत्थर कलाम करेंगे, जिनके इशारे से चांद तो टुकड़े हो जाएगा। ये सुनकर आमिर ने अपनी जोजा से कहा, तुमने भी सुना जो मैं सुनता हूँ? उसने कहा, हाँ, मैंने भी सुना है। ऐ आमिर, जरा ये तो पूछो, वो कहाँ पैदा हुआ है और उसका नाम क्या है? आमिर ने पूछा, ऐ मुबारक हातिफ, वो कहाँ पैदा हुआ है और इसका नाम क्या है? आवाज आई, इसका नाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आमिर की एक लड़की थी जो बीमार अपाज थी, जिसके हाथ पांव बेकार थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक के वक्त उसने भी हर तरफ नूर देखा। उसने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, अगर इस नूर में बरकत है तो मुझे भी इसका हिस्सा मिलना चाहिए। अल्लाह ताला ने फौरन इसे सेहते कामला और शिफाए आजला से सरफराज फरमाया। आमिर शहीद वाकया देखकर बहुत हैरान और कमर बांध कर आपकी सियारत के लिए मक्का मौसमा आया। तलाश करते हुए हज़रत आमना रज़िल्लाह अन्हु के दरे दौलत पर हासिल हुआ और अर्ज की, खुदारा इस मुसाफिर गरीबुल वतन को अपने नुसायता बच्चे की ज़ियारत करा दे। हजरत अब्दुल मतलब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आगोश में उठाया। ये देखते ही आपके कदमों पर जा बहक हो गया। ये पहला आदमी था जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपनी जान का नजराना पेश किया। एक दिन अब्दुल मतलब हरमे काबा में बैठे हुए थे। आपके पास नजरान का एक पादरी भी बैठा था जो आपका गहरा
दोस्त था। वो कह रहा था, हम अपनी किताबों में इस शहरी मक्का में औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम में से एक नबी की विलादत का जिक्र पाते हैं जिसकी ये शक्ल सूरत होगी। अभी ये बात मुकम्मल ना हुई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। पादरी ने आपके चेहरे अनवर आंखों पुष्ट मुबारक और कदम हाय मुबारक की तरफ देखा तो पुकार उठा, वो नबी तो यही है, ये तुम्हारा क्या लगता है? आपने कहा, मेरा बेटा। पादरी ने कहा, हम तो इसके बाप को किताबों की रोशनी में इस वक्त जिंदा नहीं पाते। अब्दुल मतलब ने कहा, दरअसल ये मेरा पोता है, इसका बाप तो उस वक्त ही फौत हो गया था जब ये रहमे मादर में था। पादरी ने कहा, तुमने सच कहा। इसके बाद अब्दुल मतलब ने अपनी औलाद से कहा, अपने बतीजे की हिफाजत किया करो, सुनते नहीं हो इसके बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल थी कि आपकी वालदा आपको आपके दादा के ननिहाल में ले आई। एक दिन एक यहूदी ने आपको देखा तो बार बार देखने लगा, आखिर इससे रहा ना गया, पूछने लगा, ऐ लड़के तेरा नाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, अहमद। इस पर उसने आपके पुष्ट मुबारक की तरफ देखा, उस वक्त उसने कहा, ये इस उम्मत का नबी है। फिर वो अपने लोगों में गया, उसने इन्हें भी ये बात बताई, उन लोगों ने ये बात आप की वालदा मोहतमा को बताई। इस पर हजरत बीबी आमना को खौफ महसूस हुआ और वो आप को मदीना नवरा से वापस ले आई। नाज़रीन, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो अब हम इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।